हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड का आईपीओ बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इस आईपीओ को अवॉइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवास फाइनेंसर्स के जो प्रोमोटर्स हैं, ये एक कंपनी है लेक डिस्ट्रिक्ट एंड ESCL, ये दो प्रोमोटर हैं इस कंपनी के। और जो इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है, फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू का मतलब कि कंपनी कुछ आईपीओ के माध्यम से पैसा जुटाएगी जो कि ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास है, और ये पैसा कंपनी एक्टिविटीज, लोन ग्रोथ या और एक्टिविटीज के लिए कंपनी यूज करेगी। ये कंपनी 2011 में जयपुर में ये स्टार्ट हुई थी, और जिसका मेन जो काम है रिटेल एंड अफोर्डेबल हाउसिंग में जो लो टिकट जो लोन ये प्रोवाइड करते हैं मिडल इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स को। अगर हम कंपनी के बारे में थोड़ा और देखें तो ये कंपनी ऑफर जो लोन प्रोवाइड करती है, ये अगर आपको अपनी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करना है या आप उसकी रिपेयर करना चाहते हैं, तो उस तरह की एक्टिविटीज प्लस टू व्हीलर लोन, थ्री व्हीलर लोन एंड कार लोन, ये सभी काइंड ऑफ बिजनेस में ये कंपनी काम करती है। कंपनी की जो जो मैक्सिमम प्रेजेंस है वो राजस्थान में है। जो टोटल इसकी जो कंपनी की ब्रांचेस हैं 165 है, उसमें से 72 काफ़ी बड़ा पोर्शन है जो इसकी प्रेजेंस है, मैक्सिमम प्रेजेंस राजस्थान में ही है, आफ्टर राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात एंड मध्य प्रदेश। तो जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो ये चार स्टेट में कंपनी की ज़्यादा प्रेजेंस है इनकी बिजनेस की। और अगर हम इनकी जो लोन बुक है जिसे ग्रॉस लोन एसेट्स बोला जाता है, अगर हम थोड़ा सा उसको डिटेल में देखें तो जो 22% है इनकी टोटल ग्रॉस लोन एसेट्स का, ये मॉर्गेज लोन्स प्लस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो इसमें पोर्शन है 22% है। 60% ऑफ GLA वर फ्रॉम कस्टमर्स अर्निंग लेस देन 50,000 पर मंथ, जो 50,000 से कम जिनकी मंथली इनकम है, 60% जो इन्होंने अपने लोन्स दिए हैं उसको दिए हैं, उन लोगों को दिए हैं। 34% ऑफ GLA वर फ्रॉम कस्टमर हु वर न्यू टू क्रेडिट, और जो इन्होंने पहली बार लोन लिया है। एंड 63% जो इनका GLA का है वर फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स, जो कि किसी और जॉब में नहीं है, जो अपना काम चला करते हैं खुद, उनको 64% जो इनकी टोटल लोन बुक का है, ऐसे लोगों को इन्होंने जो लोन्स दिए हैं। अगर हम IPO की थोड़ी और डिटेल्स देखें तो IPO ये ओपन होगा 25 सितंबर को, ये क्लोज होगा 27 सितंबर को। जो इसकी फेस वैल्यू डिसाइड की गई है इस शेयर की, 10 रुपये प्रति शेयर, और ये जो टोटल इश्यू साइज रहेगा ऑलमोस्ट 1700 करोड़ का ये इश्यू साइज रहेगा। जो लॉट साइज अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं तो 18 शेयर का एक लॉट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इश्यू प्राइस जो शेयर का रहेगा 818 रुपये से 821 रुपये प्रति शेयर। अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं तो 14,778 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। ये स्टॉक NSE BSE पे लिस्ट होगा, और जिसकी लिस्टिंग डेट है 6 अक्टूबर 2018 डिसाइड की गई है। अगर हम इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन रहता है कंपनी के रिव्यू में, तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में कंपनी ने एक दमदार ग्रोथ रिपोर्ट की है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट रेवेन्यू इनके डबल हुए हैं। अगर आप 2014 से 2015 कंपेयर करें तो 2014 में इसके जो रेवेन्यू थे 56 करोड़ थे, जो बढ़ के 106 करोड़ हो गए 2015 में। 2016 में बढ़ के ये 200 करोड़ के आसपास चले गए, एंड 2017 में 305 करोड़ के आसपास, एंड 2018 में जो इनके रेवेन्यू हैं 450 करोड़ के आसपास हैं। द सेम प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे भी दिख रहा है, और ग्रॉस NPS भी कंपनी के काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, 0.34% इनके ग्रॉस NPS हैं। बट दी वरिंग प्रॉब्लम इज इन द वरिंग सिचुएशन इज फॉर NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, कि जो इनकी अगर आप बोरोइंग कॉस्ट देखें, 2014 में जो इनकी बोरोइंग कॉस्ट थी 12% थी, जो 2018 में कम होकर 8% के ऊपर रह गई, और अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल दोबारा से रिवर्स हो रहा है। और जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा, RBI अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, नॉट इंडिविजुअली टू इंडिया, और जो कि NBFCs के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि फाइनल रिजल्ट क्या है इस IPO का, बट आने वाले टाइम में इनकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकती है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस फ्रंट पे, चाहे ग्रॉस NPS का फ्रंट हो, कंपनी काफ़ी स्ट्रांग बैलेंस शीट है। अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन करें तो, क्योंकि इसकी ग्रॉस NPS काफ़ी एक वेल मेंटेन रेंज में है, तो कंपनी एक
हेल्दी वैल्यूएशन डिमांड कर रही है। प्राइस टू बुक अगर देखें हम तो 5 का प्राइस टू बुक कंपनी डिमांड कर रही है, और अगर हम इसका पेयर कंपैरिजन करें तो मार्केट में बहुत सारी और अच्छी ऑप्शंस हैं जो सस्ते प्राइस पे अवेलेबल हैं, जैसे HDFC लिमिटेड आप बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट 4K प्राइस टू बुक, ग्रू फाइनेंस, ये प्रीमियम थोड़ा महंगा स्टॉक है, अगर आप रेपको होम फाइनेंस देखें तो 2.5 प्राइस टू बुक, कैन फिन होम्स 3.1 प्राइस टू बुक, एंड PNB हाउसिंग फाइनेंस 3.5। और भी ऑप्शन है जैसे LIC हाउसिंग, तो दैट इज प्योरली हाउसिंग प्ले, बट मार्केट में और ऑप्शंस हैं जो इससे सस्ते प्राइसिंग पे हैं, बट इनका क्रॉस NPAs एंड ग्रोथ अच्छी है, तो एक हेल्दी वैल्यूएशंस डिमांड कर रहे हैं। तो फाइनल अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो ग्रे मार्केट पर शेयर के ऊपर ऑलमोस्ट 110 से 120 रुपए पर शेयर का इस स्टॉक के ऊपर प्रीमियम चल रहा है एज ऑन 20 सितंबर। और जो फाइनल वर्डिक्ट है इस IPO का, जो हमें लगता है, बाकी आप अपना खुद स्टडी करें एंड डिसीजन लें, बट हमारी तरफ से बिग नो है ड्यू टू इंक्रीजिंग बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट साइकिल चेंज हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, और जो कि NBFC के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन है। अगर आप आज का स्टॉक, आज की ट्रेडिंग देखें तो NBFCs का बहुत बुरा हाल हुआ है, जैसे कि DHFL, जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या जितनी भी NBFCs ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से पिटी हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट टू दिस IPO इज नो। अगर आप सेम NBFCs के तीन चार कंपनी जो अभी लास्ट मंथ में भी लिस्ट हुई हैं, सभी अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही हैं, और मार्केट में बहुत सारे अच्छे नाम हैं जिनमें हम थोड़ी करेक्शन पे हम खरीद सकते हैं। तो वी होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, आपके फाइनेंशियल डिसीजन में काफ़ी हेल्प करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, जो कि बिल्कुल फ्री है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।